रहे हैं। आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा। आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाई हूँ, वो भी हेयर ऑयल, जो कि बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगा, जैसे मेरे हेयर को लेके बनाया, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। चलिए मैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह के बॉटल में आएगा, और ये सातवां ब्रांड है ये, और इस तेल का नाम है कालिका हेयर ऑयल, जो कि बालों को बहुत अच्छे से ब्लैक कर देता है। जिसके वाइट बाल है ना, वो इसे इस्तेमाल करें। देखिए इसका जो प्राइस है ना, 575 का है। इस तरीके के बॉटल में आएगा, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो हमारे बालों को काला बनाए रखेगा, और जो वाइट बाल है ना उसे भी अच्छे से काला कर देगा। पर 150 ग्राम का है इसमें तेल, ये 150 ग्राम का है, और इस तरीके से बॉटल में आएगा। इसे देखिए मैंने इस्तेमाल किया है, मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और सिर्फ से नाइट में ही इस्तेमाल करना है हमें। आजकल आप देख सकते हैं ये बॉटल इस तरीके से है। अभी मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। मैंने आपको बॉटल दिखाया है, इस तरीके के बॉटल में आता है, और मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी। तो आपको मैंने बॉटल के बारे में बताया है, इस तरीके के बॉटल में ये आता है, अब बहुत अच्छा है। जिसके वाइट बाल स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो लगाए ना, तो वो एक महीना तक ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। पर आप ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा तेल है कैसा। आप, मैं बोल रही हूँ, आपको लगेगा नहीं यार ये तो तेल बताती है, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप लगा के देखें, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं जो भी लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ, वही आपके लिए लाती हूँ। तो मैंने इसे लगाया है इस तरीके बॉटल में, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इतना सारा तेल लगा चुकी हूँ। और मैं नाइट में ही लगाती हूँ, जैसे मुझे अगले दिन बाल धोना हो, अगले दिन तो उस समय मैं लगा लेती हूँ। जैसे मैं रात को लगा लेती हूँ, मॉर्निंग में मैं बाल वॉश कर लेती हूँ। कोई भी हर्बल शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए, और सबसे बेस्ट ये हर्बल है। इसमें बहुत सारी हर्बल चीज़ें ही मिलाई गई हैं, आपको ऐसे कोई केमिकल वाली चीज़ें नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको ये हेयर ऑयल लगा के भी दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बताती हूँ, आपके सामने यूज़ कर रही हूँ मैं, और किस तरीके से यूज़ करी वो भी आप लोग देखिए। मैंने इस तरीके से बाल अपने अच्छे से खोल लिए हैं, और आप देख सकते हैं मेरे बाल ये भी वाइट नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें, हर्बल चीज़ें मैंने लगाना स्टार्ट किया है, तो बहुत अच्छा है। इसके लिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इसका कलर और कुछ इस तरीके में आएगा, आप देख सकते हैं। और इसे ना अपने हाथों में अच्छे से इसे गर्म कर लीजिए, अच्छे से रगड़ के, आपको खुद ही गर्माहट मालूम पड़े। इसे थोड़ा सा हाथों में ऐसे रगड़ लीजिए, और फिर अपने ऐसे मसाज कर लीजिए इस तरीके से, और इसे जड़ से लेके हमें बालों तक ऐसे लगा लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, हमें इस तरीके से सारे बालों में अच्छे से लगा लें। इसे हमें डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है, इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके बस यहीं पे ऐसे मालूम पड़ेंगे। और अगर आप इस तरीके से हाथ में लेके और इसे अच्छे से इस तरीके से रगड़ लेते हैं ना, इसमें जो एक गर्म होता है ना, वो चीज़ हमारे बालों के लिए बहुत बेस्ट है। इस तरीके से अपने हाथों में रगड़ लीजिए, और इस तरीके से अच्छे से मसाज कर लीजिए। आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से मसाज कर सकती हैं, या फिर, और बालों की प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से सभी को है, वाइट बालों की प्रॉब्लम। और इसे बाल भी देखिए बहुत अच्छे, बहुत घने हो जाते हैं, और काले तो होते ही हैं। इस तरीके से आप मसाज कर लीजिए, और इसे ओवरनाइट के लिए रात भर इसी से ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे तेल लगा के। तो इसे क्या होता है ना, हमारे जो जड़ों में है ना, इसे भी अच्छे से हो जाता है। और इसे अगले दिन वॉश कर लीजिए, आपको खुद रिजल्ट मालूम पड़ेगा। और इसे जैसे आप एक महीना तक इस्तेमाल कीजिए, आपको खुद ही रिज़ल्ट पता चलेगा का किस तरीके से ऑयल लगाते हैं और कौन सा ऑयल हमें सूट करता है। आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लगाएंगे तो ही आपको रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो इस तरीके का ये बॉटल है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो मेरा पसंद आए
तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और ओके बाय।